कल हमने बेसिकली ना आपके बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे, आपके प्रो मैकेनिका जिसको अभी हम सिमुलेट बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप सबने वो वीडियो लेक्चर देख भी लिया होगा और कल का सेशन थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी आपका जो ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम है और जो बॉटल वाला प्रॉब्लम है वो इंटरकनेक्टेड है। शायद देखने में ज्योमेट्री अलग लग रही है बट काफी हद तक वो सिमिलैरिटीज पे रहेगा। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम मैं आपको इसका एक ओवरव्यू भी दे दूंगा कैसे करना उसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने कल किया था, मैंने कैंटिलीवर बीम आपको करवाई थी, रैंडम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने बनाया था वो आपको करके दिखाया था। उसमें मैंने आपको बाउंड्री कंडीशंस और लोड वगैरह जैसे लगाए थे, उसी को अब एक प्रॉपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं, आपका एक बुक का क्वेश्चन कैसे होता है। सो वी विल गो एट अ क्विक पेस, इसको जल्दी से खत्म करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है। मेजर जो आपका ट्रबल रहता है ना वो कंस्ट्रेंट्स लगाने में आता है, कि बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगाते हैं, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, आगे जाके प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर भी। वो एक छोटा सा यहाँ पे जैसे आई वुड से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पे अब वेरिएशन क्या है, कल हमने किया था कैंटिलीवर बीम, आज हम करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर कंस्ट्रेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं और लोड सेट, सॉरी कंस्ट्रेंट सेट कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे आज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप देख लो, इसमें बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्टील पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 mm एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 40 mm, ये उसने बताया हुआ है आपकी डायमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप इज 4 meters, पाइप इज सिंपली सपोर्टेड, उसने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए एट द एंड्स, एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 80 न्यूटन इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है। सो इसको एक सेकेंड, सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है, अपने यूनिट्स प्रॉपर रखने हैं हमें, आई वुड से। मिलीमीटर्स न्यूटन सेकंड पाथ सॉलिड, राइट। सो इसके अंदर ये पाइप मैंने जो बनानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल डायमीटर 20 है, एक्सटर्नल डायमीटर 40 है, लेंथ आपकी 4 meters की है। सो इसको बनाने के लिए मैं प्लेन चुन लेता हूँ, लेट अस से राइट प्लेन, एक्सट्रूड की कमांड यूज करते हैं, इसको स्केच सेटअप में डाल के, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल आई वुड से क्योंकि सर्कुलर पाइप है वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो लेट्स टेक दिस सर्कल, इनर सर्कल आपका 20 का है और आउटर सर्कल आपका 40 का है, ठीक है, इसको कर दो ओके। और ये लेंथ है 4 meters की, सो 4 meters मींस 4000 mm, ऑलराइट। इसको सेंटर पे डिवाइड करूंगा, सॉरी सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन रखूंगा मैं, मुझे इससे फायदा मिलेगा, ऑलराइट, इसको ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे अब देखते हैं कि बना क्या है, ये आपकी पाइप बन चुकी है, ऑलराइट। आई होप सबको यहाँ तक क्लैरिटी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक जब आपका बन गया, अब आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, इट्स अ वेरी सिंपल ज्योमेट्री प्रोवाइडेड बाय दिस बुक आर्किव आंसर, ऑलराइट। तो इसके अंदर अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, पाइप इज सिंपली सपोर्टेड, तो बेसिकली हमें सिमुलेट के अंदर जाना है। सो वी विल गो टू एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में जाके सिमुलेट, इट विल टेक अ व्हाइल, लेट इट लोड। राइट, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान क्या रखना है, हमारे पास चार बॉक्सेस है, हमें लोड्स डिफाइन करने हैं, हमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं, हमें मटेरियल डिफाइन करना है और हमें फाइनली उसको कंपाइल करके एनालाइज करना है। लेट अस से पहले हम कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट में जाके अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, यहाँ पे मेंबर ऑफ अ सेट, मैं मेंबर ऑफ अ सेट को डिफाइन करता हूँ न्यू, मैं बोल देता हूँ इसे ये मेरा सिंपली सपोर्टेड का सेट है, ऑलराइट। ये मेरा कंस्ट्रेंट का सेट बनेगा। मैंने क्यों बनाया इसे, मैं इसको ओके कर देता हूं, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी पाइप यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड का मीनिंग क्या होता है, एक साइड के ऊपर हिंज सपोर्ट होगी, एक साइड के ऊपर रोलर सपोर्ट होगी। आई होप ये फंडामेंटल सबको याद होगा आपके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स से। सो यहाँ पे मेंबर ऑफ अ सेट किस चीज का मेंबर है, सिंपली सपोर्टेड बीम का। नेम क्या देंगे, पहले हम लगाएंगे हिंज, ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर हिंज लगा रहे हैं तो हिंज जो है वो सिंपली सपोर्टेड का पार्ट होगा। रेफरेंस क्या लेंगे, सरफेस एज और पॉइंट, मैं सरफेस बोलूंगा। सो सरफेस सिलेक्ट करेंगे, कौन सी सरफेस लेना चाहते हैं,
एक साइड पे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम इन करके ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो आउटर ये सर्कुलर सरफेस है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एज एंड व्हेन वी डू दैट, इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, अब उसने सरफेस यहाँ सिलेक्ट कर ली। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा वर्ल्ड के अंदर रखेंगे, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे बताओ, नॉट एनी सेवन बैच, एनी सेवन बैच से कोई ना बोले, मुझे ये बताओ कि ट्रांसलेशन और रोटेशन क्या क्या फिक्स करना है, क्यों क्यों फिक्स करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाई ऊपर है, एक्स इधर है, मतलब राइट साइड डायरेक्शन में, जेड बाहर आ रहा है। सो आई वुड से नो वन फ्रॉम एनी सेवन बैच शुड स्पीक। लेट मी नो क्या कंस्ट्रेंट्स लगाऊं। सर और ट्रांजिशनल फिक्स करनी चाहिए एंड ऑल ट्रांजिशन फिक्स करने चाहिए, करेक्ट है। रोटेशन में वाई डायरेक्शन को छोड़ के सर सबको दोनों को फिक्स कर दीजिए। वाई डायरेक्शन को छोड़ के सबको फिक्स करना चाहिए। सो यू से ये करना चाहिए, राइट? यस सर। किस किस को लगता है ये ठीक है? मैं कहता हूं गलत है, मुझे सर करेक्ट इट है। शुड एक्स को रहने रोटेट अबाउट जेड डायरेक्शन। ओके, आप कह रहे हो कि ये करना चाहिए। नो सर, सर एक्स और एक्स जेड दोनों में रोटेट करना है। के अराउंड मैं सिंपलीफाई करता हूँ, फिक्स तो एक ही रोटेशन, दो रोटेशन फिक्स होंगी, एक रोटेशन फ्री होगी। कौन सी वाली, मतलब कॉम्बिनेशन यही है, टू मतलब क्लोज्ड है, टू फिक्स्ड है, एक ओपन है, बट कौन सी वाली ओपन है, मतलब कौन सी फ्री है, ये बताओ। वाई ऊपर है, जेड एक्स इधर है, जेड इधर है। जेड बिल्कुल ओके, ऑल द पीपल हु फील के जेड इज फिक्स्ड, जस्ट रेज योर हैंड्स, देखते हैं कितनी परसेंटेज है, इससे आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। आई वोंट आस्क अ क्वेश्चन, बट हाँ, आई जस्ट वांट टू सी अ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु बिलीव दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अगर कोई हैंड नहीं रेज कर रहा तो फिर राइट कॉम्बिनेशन बताओ क्या है। सर एक्स विल बी फ्री। एक्स विल बी फ्री, ऑल राइट। सो हाउ मेनी फील्ड के ये राइट कॉम्बिनेशन है, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके सर, 1, 2, 4 पीपल, एंड हाउ मेनी फील्ड के ये राइट कॉम्बिनेशन है। ओके, देयर आर 2, 3 पीपल, एंड हाउ मेनी पीपल फील दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई, इसको थोड़ा बंद करते हैं, वापस आते हैं इस पे। लेट मी पुट इन द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू में है। अब आप देखो आपका एक्स किधर है, एक्स इस तरफ जा रहा है, वाई ऊपर आ रहा है, जेड मेरी तरफ बाहर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है। सो जब आप इस लोकेशन पे होगे, तो जब इसको रोटेट करने की बारी है, तो ध्यान से समझो, ये जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है, दिस इज अलाउड। जेड की रोटेशन, जेड यहाँ पे है, जेड स्क्रीन से बाहर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है। जेड के अबाउट रोटेशन विल बी बेसिकली, लुक एट माई कर्सर, लाइक ये बीम ऊपर जा सकती है, ये बीम नीचे आ सकती है, रोटेट करते हैं, इसके यस अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। एक्स के अबाउट उल्टा हो जाता है, एक्स के अबाउट अंदर अंदर बाहर हो रही होती, वाई के अबाउट भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जेड के अबाउट है। सो दिस दैट इज वाई आई सेड कि यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो इस चीजों का ध्यान रखो थोड़ा सा। सो नाउ वील गो बैक टू कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे अब ये सिंपली सपोर्टेड मेंबर सेट मेरा है, हिंज मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे पूरा यूटिलाइज नहीं किया। सर्फेसेस मुझे चूज करनी पड़ेंगी, सॉरी, और सर्फेस मैं चूज करूंगा ये वाली। ऑलराइट, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, अभी आपको एक और चीज भी दिखानी है। सो आपका राइट कॉम्बिनेशन है ये, तीनों ट्रांसलेशंस आपकी फिक्स रहेंगी और जेड के अबाउट आपकी रोटेशन पॉसिबल है। सो इसको ओके कर देते हैं। अब जैसे ही इसे ओके करेंगे, यहाँ ट्राइंगल्स आएंगे, कुछ वर्डिंग भी आएगी, उस वर्डिंग पे फोकस करते हैं। सो यहाँ पे आई है कुछ वर्डिंग, वो वर्डिंग क्या कह रही है, dx dy dz 0 rx rx 0 ry 0 rz 0 नहीं किया, d का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो dx dy dz 0 कर दिया, rx 0 है, रोटेशन अबाउट x 0, रोटेशन अबाउट y 0, बट रोटेशन अबाउट z 0 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वापस आओ, एक कंस्ट्रेंट लग गया, पर अभी हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट बाकी है। सो वी गो बैक टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अब मैं टाइप करूंगा रोलर, ठीक है, एक साइड हिंज, एक साइड रोलर, और मेंबर सेट सिंपली सपोर्टेड। सरफेस कौन सी चुनेंगे, सरफेस चुनेंगे ये वाली, अब इस साइड पे।
ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर बताओ क्या करूं फिर, ट्रांसलेशंस एंड रोटेशंस। हाँ जी सर, वाई में रोल कर सकता है वो। वाई में सॉरी, पहले ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, पहले ये एक्स में अलाउड होगा ट्रांसलेशन, एक्स में अलाउड होगा। ओके, हाउ मेनी फील कि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है सिर्फ ट्रांसलेशन का? ओके, द नंबर इज राइजिंग, इट इज करेक्ट। एक्स में रोटेशन, एक्स में ट्रांसलेशन अलाउड होगी। ऑलराइट, ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इनको याद करो, इनको रिवाइज करो, ठीक है? इंटरव्यू में ज्यादा नहीं वो कुछ करते, यही पूछते हैं। और रोटेशन में सेम, जेड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, बस एक ही चीज है रोलर के अंदर कि एक्स के अबाउट ट्रांसलेशन आपकी पॉसिबल है। एक्स मीन्स ये आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा अलाउड होगा। ऑलराइट, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है, मैकेनिक्स के थोड़े से फंडामेंटल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम करवाने का पर्पज ही है। सिंपली सपोर्टेड में कैंटिलीवर में क्या था, सब फिक्स हो जाता है तो इजी रहता है। जैसे ही अब ये प्रॉब्लम, अगर मैं लेट से मैंने राइट प्लेन चुना है, मैं कहता हूँ आप जब खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, ये वाला फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन चुनो, फिर ये सारी रोटेशंस और ट्रांसलेशंस को फिक्स करना। अगर सही से फिक्स कर पा रहे हो, मतलब आपके फंडामेंटल्स ठीक है। चाहे मैंने राइट चुना है, आप फ्रंट या टॉप चुन के बना, ठीक है? सो इसको कर दो, ओके। सो व्हेन वी डू दिस, सो ये आपका बन गया कंस्ट्रेंट्स का सेट पूरा। यहाँ पे अब ध्यान क्या रखना है, ये लोड्स एंड कंस्ट्रेंट्स का जो ऑप्शन आया ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये कंस्ट्रेंट सेट वन जो बाय डिफॉल्ट था, तो इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा रोलर और हिंज इसके अंदर आ चुका है। मुझे यही वाला चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दो, नहीं तो एनालिसिस में जब जाएंगे ना, ये भी सिलेक्ट हो जाता है कई बार और आपका एनालिसिस खराब हो जाता है या रन नहीं होता। सो विल सिलेक्ट डिलीट, इसको डिलीट कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे वी आर डन विद दिस। अब आ जाती है लोड्स की बात। लोड के लिए उसने क्या बोला था, उसने बोला है पॉइंट लोड है 80 न्यूटन्स का है, इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द पाइप। सो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल फंडा है, हम रिफाइन मॉडल में जाएंगे, सेंटर पे लोड लगाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे पहले एक पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मेरे पास अभी वो पॉइंट है नहीं, कल भी हमने ऐसे किया था टिप लोड के लिए, इसके लिए भी हम सेम चीज कर रहे हैं। तो यहाँ से पॉइंट चुन लेते हैं, पॉइंट की फर्स्ट ऑप्शन ही चुनना, सेकेंड ऑप्शन आपकी जो है वो ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम में यूज होती है। सो सिंपल पॉइंट चुनने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी सर्फेस पे एक पॉइंट मार्क कर दो, इसको दो वो चाहिए रेफरेंस, एक रेफरेंस दे दो इस प्लेन का। ऑलराइट, और इसको बोल दो कि ये 10 नहीं, ये 0 ही है, यहाँ पे 0 कर दो क्योंकि सरफेस पे पॉइंट है। ये एक रेफरेंस दे दो दूसरे प्लेन को, यहाँ पे ये भी 0 कर दो। सो इसको ओके कर दो, और जब यहाँ पे मैं व्यू में जाके इसका पॉइंट टैग डिस्प्ले ऑन करूंगा, लेट अस से इसको फ्रंट व्यू में डालता हूँ, तो फ्रंट नहीं राइट में डालते हैं और इसको आगे लेके आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा आपका पॉइंट यहाँ पे प्लेस हो चुका है, ये ऊपर है और ये 2000 डिस्टेंस क्या होगा इसका, यहाँ से इस सरफेस से 2000 यूनिट्स। अगर नहीं दिख रहा तो ये यहाँ से दिखेगा, सॉरी, ठीक है? वो पॉइंट हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है, दिस इज द पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है? इफ नॉट आगे बढ़ते हैं, अब फोर्स लगाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे फोर्स और मोमेंट की ऑप्शन है आपके पास, हम जाते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है, तो कोई लोड सेट बनाने की जरूरत नहीं। आप इसको नेम देना चाहो तो दे सकते हो, बट नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। रेफरेंसेस कौन सी चुनेंगे, पॉइंट लोड की। सो यहाँ से पॉइंट्स को चुन लेते हैं, सर्फेस को नहीं चुनना क्योंकि अब पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है वहां से। सो पॉइंट हमने जो बनाया था वहां पे जाके उसको सिलेक्ट कर लो, ये आपका पॉइंट सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे अब बेसिकली आपकी फोर्स, फोर्स कितनी अप्लाई करूं, 18 न्यूटन। 18 न्यूटन कहाँ पे अप्लाई करूं, किधर फिल करें? -18 करेक्ट, ठीक है? प्रीव्यू करके आप चेक भी कर सकते हो, इसको अगर यहाँ पे ये लेके आऊं ना और प्रीव्यू करूं मैं, तो ये एरो नीचे आ रहा है, ये अभी दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा है तो इट विल बी गुड। पर्पल कलर में, हाँ पर्पल कलर में एक एरो आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर, और इसको ओके करोगे तो एरो ऐसे आ जाता है, इसको फ्रंट व्यू में डालोगे तो सही से दिखेगा। सो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम तैयार हो गई विद अ पॉइंट लोड ऑफ -80 न्यूटन अप्लाइड एट द सेंटर। अब लास्ट चीज बच गई, मटेरियल असाइनमेंट। मटेरियल असाइन करने के लिए उसने बताया हुआ है कि स्टील पाइप है। ऑलराइट, वैसे स्टील काफी ग्रेड्स का होता है, बट अभी मेरे को क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करवाना है उसमें उसने ग्रेड मेंशन नहीं किया हुआ,
सो आई विल सिंपली गो टू मटीरियल असाइनमेंट, मटीरियल असाइनमेंट में जाके मोर में जाएंगे, मोर में जाके लेगेसी ऑप्शंस है, लेगेसी मटीरियल्स है और इसके अंदर एक स्टील पड़ा हुआ है, मैं इसी स्टील को यूज कर लेता हूँ, कोई एक्स्ट्रा मटीरियल मैं नहीं बनाने वाला। यहाँ से इसको डबल क्लिक करना है, हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, आई विल टेल यू द मिस्टेक। हर बार जाएंगे मोर में जाके लेगेसी मटीरियल्स और यहाँ पे स्टील को ऐसे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो देखते हैं कि सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये एक बड़ा कॉमन एरर होता है, इसको हमेशा डबल क्लिक करो तभी स्टील नीचे आता है और फिर ओके करो, यहाँ पे स्टील दिखने लग जाता है और फिर जब ओके करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर में लिख के भी आ जाता है मटीरियल असाइंड, यहाँ पे आ गया देखो ये लिख के आ रहा होगा। ऑलराइट, तो आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, ये आपके तीन स्टेप्स हैं जो नेसेसरी हैं। अब एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस में जाके आपको बेसिकली एक नया एनालिसिस क्रिएट करना है, स्टैटिक ब्रैकेट की प्रॉब्लम में आपको ये दो नीचे वाले भी यूज करने होते हैं, बट अभी हम सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं। स्टैटिक को चूज कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो अब सिंपली सपोर्टेड, ये वाला हमने जो टाइप किया था अगर सबको याद हो, सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे हमने बनाया था वो आ रहा है, अगर तो दूसरे वाला डिलीट नहीं किया होता ना वो भी आके इंटरफेयर कर जाता है, कई बार वो टिक्ड रह जाता है, आप फिर परेशान होते हो। सो सिंपली सपोर्टेड हो गया, लोड सेट हो गया, कन्वर्जेंस के अंदर सिंगल पास अडेप्टर के ऊपर रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे जान के मैंने इसको एक बार सिलेक्ट किया, वैसे वो प्री सिलेक्टेड था बिकॉज मेरे को ओके का बटन नहीं दिख रहा, अगर आप ध्यान से देखो ये ओके का बटन, अगर इसको स्क्रोल साइड करूं और माउस को प्रेस करके रखू तो दिखता है, जैसे ही माउस को मैं छोड़ देता हूं, मुझे नहीं दिखता। सो इसको ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसको एक बार सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से टैब की को एक बार सिलेक्ट करो, जैसे ही सिलेक्ट करोगे एडवांस कंट्रोल्स के ऊपर ये डॉटेड लाइन आ गई, एक बार टैब फिर से प्रेस करो, जैसे ही करोगे वो ओके पे चला जाता है हमें पता है, और एंटर हिट कर दो, जैसे ही करोगे एनालिसिस यहाँ पे तैयार हो जाता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसको बस अब आप रन करना है, ये ग्रीन बटन है ये रन का बटन है, इसको स्टार्ट रन कर सकते हो। वो पूछेगा एनालिसिस वन, मैंने कोई एनालिसिस पहले किया होगा तो वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको ओवरराइट कर दूं डिलीट करके, मैंने कहा ओके। Do you want to run interactive diagnostics? Yes. और यहाँ पे इंटरक्टिव डायग्नोस्टिक्स भी आ रहा है, अगर आप फर्दर डायग्नोस्टिक्स देखना चाहते हो तो डिस्प्ले स्टडी स्टेटस कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास पूरा लॉग आ जाता है कि आपका क्या क्या चीजें लोड हो रही है, उसने लोड लगा दिया, हिंज रोलर का कंस्ट्रेंट लगा दिए, यहाँ से ये येलो का मीनिंग ये होता है, ठीक है, क्या क्या कंप्यूटर कर रहा है बैकएंड पे, कितना मतलब इतनी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइडेड होगी। So we'll just wait for 2-3 seconds and we'll load. Analysis start हो गया और यहाँ पे solution pass analysis one run हो रहा है, convergence check कर रहा है and finally run complete हो गया। All right, तो कोई problem नहीं आई, error होता है तो यहीं पे आ जाता है और बता भी देता है कि error किस चीज के अंदर है। All right, so we'll close this और close करने के बाद यहाँ से आपको results देखने होते हैं। So results देखने के लिए ये option है, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करने के बाद हमें चेक क्या करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, सो वो चेक करने के लिए विल स्टिक टू द डिस्प्ले टाइप फ्रिंज, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, हम फ्रिंज के साथ स्टिक करते हैं एंड देन इसके अंदर क्या देखना चाहते हैं हम, बेसिकली स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, पी लेवल, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं स्ट्रेस ही देखना चाहता हूँ, मेगा पास्कल में देखना चाहता हूँ, कॉम्पोनेंट कौन सा देखना चाहते हो, I'll prefer 1 mSI stress this time, all right? इसको कर लो, display options में जाके कुछ चेंज नहीं करना, अगर deform देखना चाहते हो और animate करके देखना चाहते हो कि किस तरह से दिख रहा है, इसको okay and show कर सकते हो, so it will load और इस तरह से आपकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई x y z में displacement नहीं है, सिर्फ z के about rotation हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा x के about आपका rotation हो रहा है, x के about displacement possible है, वो दिख रही है चीज हमें, और z के अबाउट रोटेशन भी पॉसिबल है, वो दिख रहा है, बाकी y और z के अबाउट ट्रांसलेशन और रोटेशन आपकी बंद है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब आपका आंसर कैसे देखना है आपको, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, सो योर मैक्सिमम स्ट्रेस इज अबाउट 11.2019 और आरके मानसर ने जो सॉल्व किया है उसने आपको आंसर दिया हुआ है 13.58। सो यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस इसके लिए आ रहा है बिकॉज आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की अप्रोच से अटेम्प्ट किया है, जो आर के मानसर ने अटेम्प्ट किया होगा वो एनालिटिकल अप्रोच है। व्हेन आई से एनालिटिकल अप्रोच इट मींस उसने आपका कोई फॉर्मूला लगाया होगा आयलर बर्नौली बीम इक्वेशन के थ्रू या कोई और उसने मतलब एक कोई फर्दर थ्योरी को यूज किया होगा, आपके पास किसी थ्योरी से ही फॉर्मूला आता है ना, अगर आपको याद हो सिग्मा इक्वल टू एम बाय अपॉन आई दैट कम्स फ्रॉम आयलर बर्नौली बीम इक्वेशन, बट यहाँ पे अप्रोच ऑल्टुगेदर डिफरेंट है, आप FEA अप्रोच यूज करते हो, इसको एलिमेंट्स में डिवाइड करते हो, एलिमेंट का मेश साइज डिसाइड करते हो और उसके ऊपर इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स को सॉल्व करके फिर आंसर निकालते हो।
सो अप्रोचेस डिफरेंट होने के कारण आंसर डिफरेंट है. सेकंड डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज उसने यहाँ पे बोला था स्टील पाइप, बट ये नहीं बताया कौन से ग्रेड की. सो बेसिकली हमारा यंग्स मॉडुलस, लेट अस अज्यूम इसने कंसिडर किया होगा 210 मेगा गीगा पास्कल या 190 गीगा पास्कल. हमने जो एज्यूम किया हुआ है दैट इज 200 गीगा पास्कल, तो उसका डिफरेंस हो सकता है. ऐसी और एक दो पैरामीटर्स का डिफरेंस होगा क्योंकि वॉन माइसेस स्ट्रेस निकाल रहा है, तो यूटीएम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसने यूज की होगी, वो डिफरेंट हो सकती है. सो इन डिफरेंसेस के कारण आपका आंसर स्लाइटली वेरी कर सकता है. सो वी कैन नॉट कमेंट व्हिच आंसर इज करेक्ट, बट यूजली द एफईएम अप्रोचेस दे प्रोवाइड मोर प्रिसाइज आंसर्स. ठीक है सर. ये सो कोई डाउट यहां तक? यूडीएल कैसे लगाते हैं? ओके आई डिस्कस दैट एज वेल. किसी को यहाँ पे कोई डाउट? अरे पर ये जैसे ना अपने फोर्स जी सेंटर में, सर फोर्स अपने सेंटर में लगाया था जी सर, ये मतलब जो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है सर, ये मतलब बराबर नहीं हो रहा मतलब सर. नहीं, वो व्यू का चक्कर है, ये बिल्कुल फ्रंट व्यू में नहीं डाला हुआ, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है. ये थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है आपको? नहीं सर, पर वो सेंटर में होगा भी ना, क्योंकि एक तरफ हिंज और एक तरफ रोलर है. हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो वो बेसिकली आपकी ये मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगी. आप ये वाली मूवमेंट देखो और यहाँ वाली मूवमेंट देखो, वो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा. ठीक है, लोडिंग पे डिपेंड करेगा ना कि हम सर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सिलेक्ट करें ट्रांसलेशन और रोटेशन में. हाँ, तभी तो मैंने कहा कि मैंने जब ये अभी कंस्ट्रक्शन की है ज्योमेट्री की, मैंने राइट प्लेन पे कंस्ट्रक्ट किया है आपकी पाइप. आप एक बार टॉप व्यू पे कंस्ट्रक्ट करो और फिर देखो कि कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेन करना चाहिए. आंसर सेम आएगा अगर आप करेक्टली करोगे. आपका आंसर भी 11.2019 आना चाहिए अगर आपने सब कुछ ठीक किया है टॉप प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करके स्टार्टिंग में, या फ्रंट प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करके. बट उसको करने का फायदा यही है कि आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हो जाएगा. ठीक है, यूडीएल कैसे लगाते हैं? यूडीएल लगाना बहुत आसान है. जस्ट अ सेकेंड, लेट इट लोड, क्लोज कर दो. यहाँ लोड्स एंड कंस्ट्रेंट्स में जाके ना ये लोड सेट जो हमने लगाया था, ये लोड सेट इसको मॉडिफाई करते हैं. आप ये पॉइंट मत लगाओ, आप सरफेस लगा दो. ऑलराइट, तो ये इसको साइड कर लो. पहले पॉइंट पे लगाया था ना, पॉइंट मत लगाओ, सरफेस कर दो. ऑलराइट, वो सरफेस उसने खुद से सिलेक्ट कर ली. इसको एक बार प्रीव्यू करके देखो, इसको ओके कर दो. सो इस तरह से है, वो एक सरफेस ज्यादा सिलेक्ट हो गई, आप उसको डिलीट कर सकते हो. नहीं तो अगर पूरे सरफेस नहीं सिलेक्ट हो रही बाय डिफॉल्ट, तो आप एक तरह से एक ऊपर लाइन भी बना सकते हो स्केच के अंदर. मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमने पॉइंट लोड लगाया था ना, लेट अस से कि मैं रिफाइन मॉडल में जाता हूँ. रिफाइन मॉडल में जाके एक स्केच क्रिएट करते हैं, और आई थिंक हाँ हो जाएगा. इसको डालो आप राइट व्यू में, सॉरी नॉट राइट व्यू, ये वाला प्लेन चुन लो, इसको करो स्केच. ठीक है, और एक इसकी ले लो रेफरेंस, और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे एक करो आप सर्कल कंस्ट्रक्ट, इसको कर दो डिलीट. ठीक है, मैंने एक स्केच ले लिया बाहर की आउटर पेरिफेरी के ऊपर, और इसको ओके कर देते हैं. ठीक है, अब लोड सेट में जाते हैं. लोड सेट में जाके ये डिलीट करो, एज में चलते हैं. ऑल राइट, और यहाँ पे एक एज आपको ये देगा, ये एज मिल रहा है मेरे को. मैं इसके ऊपर 80 न्यूटन अप्लाई कर देता हूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. ठीक है, वो देखने में सिंगल लग रही है, पर अगर फोकस करोगे उसके ऊपर 80 न्यूटन को मैंने डिवाइड कर दिया. सो दैट डिपेंड्स, आपको क्या चाहिए, कैसे करना है, पॉइंट के थ्रू करके डेटम पॉइंट बनाना है, या स्केच बनाना है, कोई कर्व बनाना है, आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो. दिस इज द पावर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ऑलराइट, सो यहां तक कोई डाउट? इफ नॉट, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल और भी बता देता हूँ कि ये सारे एनालिसिस आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि एनालिटिकली कर पा रहे हैं, सब कुछ तो चल रहा है, इसकी जरूरत क्या है. जैसे मैं कहता हूँ ये सारा डिलीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये भी डिलीट कर दो. सॉफ्टवेयर का एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं लेता हूँ एक राइट व्यू. राइट व्यू के अंदर जाके इसको टॉप पे डाल लो, इसको स्केच करो. लेट अस से मैं पैलेट में जाता हूँ, पैलेट में जाके प्रोफाइल्स लेता हूँ. यहाँ एक आई प्रोफाइल है,
आपने बीम्स पढ़ी है ना, बीम्स के अंदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी होता है, कल हमने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन किया था, ऐसे आई बीम्स भी होती हैं, आप आई बीम भी ले सकते हो. ऑलराइट, इसको आई बीम को लेके लेट अस से मैं इसको मतलब थोड़ा एप्रोप्रिएटली कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ. एंड वी कंस्ट्रक्ट इट इन दिस वे, इसकी लेंथ लंबी ले लो थोड़ी सी 1000, एंड इट डजंट मैटर इसके अंदर क्या करना है. सो ये भी आपकी एक बीम है, राइट? आप इसी बीम का अगर मैं कहूँ कैंटिलीवर एनालिसिस करना हो, इट इज पॉसिबल एनालिटिकली. कल हमने किया था, हम करके दिखा सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज हमारे पास एम वाई अपॉन आई, ये तीनों तीनों चीजें अवेलेबल है. मोमेंट पता है, वाई पता है, आई पता है. बट अब मैं थोड़ी चेंजेस करता हूँ. मैं कहता हूँ मैं लेता हूँ एक्सट्रूड की कमांड, और एक्सट्रूड की कमांड लेके अब आपकी जो बीम है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक छोटा सा होल कर देता हूँ. ऑलराइट, इसको कर दो ओके, इसको कर दो रिवर्स और ऐसे कर दो. और मैं कहता हूँ एक होल नहीं करते, इसका थोड़ा पैटर्न ही कर देते हैं. ऑलराइट, इसको कर देते हैं डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लेट अस से -80 के ऊपर 8 होल्स कर दो. अब क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं अब एनालिटिकली सॉल्व करूं इस बीम को, क्या मेरी आइनर बर्नौली बीम की इक्वेशन एम वाई अपॉन आई वैलिड होगी? नो सर, इट इज नॉट नो लॉन्गर वैलिड. ठीक है, अभी उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई. और साथ में अगर मैं बोल देता हूं कि इसका मैं कैंटिलीवर एनालिसिस करने वाला था, अब मैं राउंड कर देता हूं आपकी जो एक्चुअल बीम है, लेट अस से इसके ऊपर मैंने थोड़े से राउंड्स डाल दिए, इधर राउंड कर दिया, लेट अस से मैं इसको इधर से भी राउंड कर देता हूं. सो योर बीम इफ आई पुट इट इन द फ्रंट व्यू लुक्स लाइक दिस, इन द राइट व्यू दिस लुक्स लाइक दिस. अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसका आइलर बर्नौली बीम का जो आपका फॉर्मूला था वो एम वाई अपॉन आई, इट इज अगेन इट इज इनवैलिड करता जा रहा हूं मैं उसे. और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा होता है, शार्प कॉर्नर्स तो होते ही नहीं आपके पास. सो आपकी जो आंसर्स हैं वो वहां से जो एनालिटिकली मिलेंगे वो बड़े अप्रोक्सीमेट से मिलते हैं. यहाँ पे अब मैं इसका एनालिसिस सेम अप्रोच के साथ सिमुलेट के अंदर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. सो ये एडवांटेज है हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिसिस करने का, जहां एनालिटिकल एनालिसिस हम नहीं कर पाते या जहां हमारे आंसर्स बहुत ही अप्रोक्सीमेट से आ रहे होते हैं, उनके एग्जैक्ट और प्रिसाइज आंसर्स लेके आने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. सो जो हमने कल दो एग्जांपल्स किए हैं वो आप बाय पेन एंड पेपर भी कर सकते थे, वो सिर्फ हमने यूज की ये समझने के लिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर आंसर सेम आता है. और ये एग्जाम्पल ये बताती है कि अगर आप पेन एंड पेपर से नहीं भी कर सकते, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो. प्लस आप एनालिटिकली असेंबलीज को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते. अगर आपकी एक कोई असेंबली है उसको एनालाइज करने के लिए एनालिटिकली कोई इक्वेशन आपको हेल्प नहीं करेगी, सॉफ्टवेयर हेल्प कर सकता है. अगर यही कोई असेंबली होती, यू कैड इजीली डू इट विद द सिमिलर अप्रोच. ठीक है, तो कोई डाउट किसी को? नो सर. ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव 10 मिनट्स. पहले मेरे को ये बताओ, ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम किस किस ने अटेम्प्ट की है? ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी, हाउ मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड इट एंड हाउ मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड इट? पहले अटेम्प्ट वाले बात करो सर. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम. ओके, और इन तीनों में से हाउ मेनी ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड्स, हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम? Okay, one of them. So the other two, are you facing any trouble? Yahan bhi kar rahe ho? Sir, shell wale part mein jo shell pair likha tha na, usme problem aayi. Okay, aur usse pehle kitna tough laga aapko? Sir, uske pehle matlab khud to abhi nahi karna hai, wo PDF se dekh dekh ke kiya hai. Aha, karna hi PDF se dekh ke hai, khud se kuch nahi karna. Jo PDF bol rahi hai, bas use padhte raho. Pehle to theek laga tha, shell ke baad samajh nahi aaya. ओके, सो मैं आपको एक स्टार्ट दे देता हूँ. मैं चाहता हूँ आप खुद लोग मतलब इसको आज के टाइम में ना कल तक थोड़ा करके आओ, कल इसके आगे भी करेंगे. ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी. इतना लंबा ये मतलब 47 पेजेस का वो है. जिसने भी अटेम्प्ट किया है, दोज पीपल विल एक्चुअली अग्री विद मी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. ठीक है, ड्रॉइंग दी हुई है, ये ड्रॉइंग यहाँ पे दी हुई है. बस ध्यान क्या रखना है, जो आपको ये क्या कहते हैं PDF बोल रहा है वही करो. ये सारा आप जरूर पढ़ो. ऑलराइट, यू नीड टू स्टडी इट, बट आई विल कम डाउन टू द पॉइंट वेयर आई कैन यूज दिस फॉर कंस्ट्रक्शन.
क्या ये देख के मुझे बता सकते हो कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है? लेट्स से आई डिलीट दिस पार्ट. ऑलराइट, हाँ जी आदित्य, कुछ कहना चाहते हो? सर, इज दिस मॉड्यूल इवैल्यूएटिव? नो, दिस इज नॉट इवैल्यूएटिव, बट इट इज आई वुड से मैंडेटरी इफ यू वांट टू. नॉट मैंडेटरी, ये हेल्प करेगा आपको बॉटल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में. तो देयर वाज अ सर्टेन सर सर डाउट्स रिगार्डिंग दिस सर द बॉटल प्रॉब्लम सर, क्या वो आप बता क्लियर कर सकते हैं सर? बॉटल वाले कल लूंगा मैं डाउट्स, कल का सेशन बॉटल पे और ये ब्रैकेट पे डेडिकेट करेंगे सिर्फ. ओके ओके, क्योंकि आज मेरा था कि काफी स्टूडेंट्स अभी एनालिसिस से ही यूज्ड टू नहीं है, बिकॉज़ आई हैव टू लुक आफ्टर 80 स्टूडेंट्स ना. देयर आर 5-6 गुड स्टूडेंट्स जो आगे बढ़ रहे हैं, बट आई हैव टू केटर टू 70 अदर पीपल एज वेल. श्योर सर. ये प्रॉब्लम के अंदर ना स्टार्टिंग में कैन एनीवन लेट मी नो कि जिस जिसने अटेम्प्ट किया है किस चीज का ध्यान रखना है? For example, I would say मुझे construction करनी है. Construction कहीं भी जाके कर दूं कि कोई problem है? जो plane है उसमें उसके left side पे वो, मतलब जो ये right वाला plane. तो ये इन्होंने correct point बोला है. ये आपके planes हैं. All right, ये plane एक यहाँ पे है, एक plane यहाँ पे है. ये point इस plane के ऊपर lie कर रहा है और यहाँ से 12.5 नीचे lie कर रहा है. और आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो कहाँ पे है, ये PRT CSYS जो भी है ये यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका रोल सिग्निफिकेंट है. ऑलराइट, जिन जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो अग्री करते हैं इस बात से कि इसका रोल आगे आपको एग्री मतलब सिग्निफिकेंट रहता है? यस यस. ठीक है, लोड लगाने में, बेयरिंग लोड लगाने में हेल्प करेगा. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस क्विकली. ऑलराइट, ये फ्रंट व्यू पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रूड पे लेते हैं, इसको एक्सट्रूड में डालो यहाँ पे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको बेसिकली एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे. यहाँ से आपको बेसिकली एक प्रॉब्लम ये बनानी है एंड यू जस्ट डिलीट द इनर पोर्शंस एंड आई थिंक सॉरी एंड इसके अंदर ये डायमेंशन स्पेसिफाई करो, नथिंग एल्स. एक ये डायमेंशन दे दो, एक ये डायमेंशन चाहिए, एक ये डायमेंशन स्पेसिफाई कर दो, एक ये डायमेंशन स्पेसिफाई कर दो. आई थिंक एक ये डायमेंशन बोली है उसने जो 12.5 वाली है. व्हाट एल्स? एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये है और एक ये है 45. ये लो, आपकी ज्योमेट्री तैयार भी होगी. सो जिस जिसने नहीं किया उनके लिए मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ. इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, देखो आपकी ज्योमेट्री हार्डली 2 मिनट्स में क्रिएट हो जाती है. इसको लॉक स्केल करो, ये है आपकी कितनी, पढ़ लेने दो, 62.5 है ये डायमेंशन. 62 62 62 50 50 45. ठीक है, सो दिस इज 62.5. इसको करो ओके. दिस इज 62.88 वाली डायमेंशन, वो प्लेन से आएगी. कौन सी? जो राइट में 88.16 वाली डायमेंशन है वो. ओके, नीचे से. ऑलराइट, आई विल डील विद इट. वो टॉप प्लेन वाली. हां, सॉरी सॉरी सॉरी. ये यहां से 862.5 है, ये 45 है. अगर कोई साइड बाय साइड ड्रॉ कर रहा है तो उसको हेल्प हो जाएगी. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये. ठीक है, ये 12.5 बोला हुआ है. That's it. आपकी ज्योमेट्री रेडी हो गई, कुछ नहीं बचा इसमें. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट ज्योमेट्री दैट यू हैव एवर क्रिएटेड इन द लास्ट 2 मंथ्स. इसको ओके करो. इसकी डेप्थ जो है वो बताई हुई है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है. टाइप 2.5 इन द एक्सट्रूजन डेप्थ. इसको जाओ, इसको टाइप करो 2.5. इसको बस सिमेट्रिक रखना है क्योंकि वो शेल वाली जिसने बात की है ना वो आगे हेल्प करेगी. सो दिस इज योर ज्योमेट्री. इसके अंदर अब उसने आगे क्या बोला है, इसको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करो. आप पूरा पढ़ना जरूर. ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली फिलेट करने को बोल रहा है, रेडियस चाहिए उसको, ये आगे हेल्प करते हैं हमें. सो यू जस्ट नीड टू डू दिस. ठीक है, यहाँ सेट्स में आओ, न्यू सेट क्रिएट करो. एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो. ये 5-5 के हैं. ठीक है, एंड देन व्हाट एल्स? यू हैव अ होल कमांड. एक होल यहाँ पे किया,
एक प्लेन यहाँ पे जोड़ना है, एक प्लेन ये ऊपर से लेना है, होल का उसने डायमीटर आपको प्रोवाइड किया होगा, पढ़ लेते हैं कितना है, 12.5 इतना है, 12.5 इधर है और ये जीरो है इतना, ठीक है, सो दिस इज जीरो, डायमीटर इज 12.5, कैसे करना है, थ्रू ऑल, और यहाँ पे क्या है ये डिस्टेंस 12.5, इसको कर दो ओके, ऑलराइट। अब इस होल को आगे पैटर्न करना है, कितने डिस्टेंस पे करना है, दो होल्स हैं यहाँ पे, एक होल हो गया, दूसरा होल 30 के डिस्टेंस पे है, यहाँ पे देखो, सो ये जस्ट एक पैटर्न कमांड, और ये जीरो वाली जो डिस्टेंस थी इसकी जगह 30 टाइप कर दो, दैट्स इट, आपकी ज्योमेट्री रेडी हो चुकी है एनालिसिस के लिए। सो एनीवन हु डिडंट कंप्लीट इट, प्लीज जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ, इतना टफ नहीं है ये प्रॉब्लम, आपका बॉटल वाला प्रॉब्लम एंड ऑल दोस अदर थिंग्स दे आर एक्चुअली दिस लाइक दिस सिंपल ओनली, ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर, इतना आप करो, इसके आगे थोड़ा पढ़ो, इसे सिंपली पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, कुछ नहीं है वो, देखने में लंबा लग रहा है बट इतना है नहीं वो, यू जस्ट विल बी एबल टू कंप्लीट द प्रॉब्लम इन हार्डली 20-25 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यहाँ से बस जाके अब एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में जाके सिमुलेट, सिमुलेट जैसे ही ऑन हो जाएगा वो पुराना वाला रह गया, जस्ट इग्नोर इट, यू हैव लोड्स, यू हैव कंस्ट्रेंट्स, यू हैव मटेरियल्स एंड यू जस्ट नीड टू एनालाइज इट। सो कल की क्लास में मैं इसको आगे भी करवाऊंगा, बट हाई लेवल ओवरव्यू पे ये ज्योमेट्री मैंने आपको बना के इसलिए दिखाई है, हार्डली 5-6 मिनट्स में बन जाती है, 5-6 मिनट एनालिसिस के, थोड़ा बहुत और काम एंड इट इज फिनिश्ड, राइट। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आपको अब कल मिलता हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कल डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है, सो आई विल एंड दिस, वो ईमेल देख लेना सर, हाँ डेफिनेटली, आपका वो जो डाउट है, सॉरी जो लाइसेंस का एरर आ रहा है उसमें देख लेगा, ठीक है, एंड आई विल शेयर दिस सेशन विद यू सून। तो कल ये प्रैक्टिस प्लीज करके आइए, ब्रैकेट वाला आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा, इसके अंदर आखिरी के दो जो एनालिसिस हैं, इसमें तीन एनालिसिस हैं, आखिरी के दो एनालिसिस बॉटल में भी यूज होंगे, सो वो आप लोग खुद करोगे, वो नहीं मैं बताने वाला बिकॉज देन इवैल्यूएशन का इशू है। ऑलराइट देन, आई विल एंड द सेशन, ठीक है, थैंक यू सर, ओके सर।